फ्रेंड्स टुडे इन दिस वीडियो। आपने कल मेरा वीडियो देखा था? कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर भेजिएगा। तो कल हमने पार्ट वन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है, और आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन से पता चलता है प्रो इट्स प्रोनाउन, ओके, इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये जो हमारा प्रो है इसका मतलब होता है पोजिशन, ओके, इट मीन्स पोजिशन, और पोजिशन का मतलब जगह, ठीक है। और नाउन का मतलब तो आपको पता ही है, नाउन का मतलब मैंने कल बताया था संज्ञा, तो संज्ञा और जगह, संज्ञा की जगह पे काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमने पढ़ा है हिंदी में, इन इंग्लिश द वर्ड्स That come in place of noun, that comes in place of noun, in place of noun are known as pronouns, are known as pronouns, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि pronouns ये होते हैं। अब मैं आपको एक example दूंगी, राधा is sleeping, ठीक है, राधा is dancing, राधा is writing, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब हम तब इन तीनों सेंटेंस में हम बार बार राधा 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 यूज कर रहे हैं, अगर मैं उसकी जगह शी यहाँ पे लगा दूं, राधा को कट करके अगर मैं यहाँ पे शी लगा दूं, आई लाइक शी, और यहाँ पे भी, तो ये ज्यादा बेटर लगेगा। मैं बोलूंगी राधा इज स्लीपिंग, शी इज डांसिंग, एंड भी एक प्रोनाउन होता है। हम किसी भी एक सेंटेंस को बोलते हैं तो दूसरे सेंटेंस को अगर थर्ड वर्ड से जोड़ते हैं तो एंड से जुड़ता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, इन्हें कंजक्शंस कहते हैं। तो शी इज राइटिंग, शी इज डांसिंग, अगर हम राधा बार बार यूज कर रहे थे हम लोग, राधा की जगह अगर हम एक बार शी यूज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम हमेशा गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं, शी, ओके, एंड बॉय के लिए ही। ये हमें समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देखती हूँ, ठीक है, आप मुझे एक कमेंट में भेज दीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। और हाँ, एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं इट, ठीक है, बी, हैज, ये सब एनिमल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, और थिंग्स के लिए, ठीक है, थिंग्स ऑल्सो। तो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, अब मैं आपसे कहूंगी नेम द प्रोनाउंस, नेम द प्रोनाउंस। अब मैं यहाँ पे लिखू राम इज डांसिंग, राम इज गोइंग, राम is studying। तो मैंने यहाँ पे बार बार राम यूज किया है, तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप मुझे इसे कमेंट में जरूर भेजिएगा, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रोनाउंस के टाइप। प्रोनाउंस के टाइप होते हैं प्रोनाउन का एक, ठीक है, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, वन, प्रोनाउन का वन टाइप होता है, और इसे कहते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इट इज, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, व्हाट इट मींस, क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं कहूंगी दैट शी इज स्टडिंग एज वेल एज As well as reading, ठीक है, मैंने लिख दिया सेंटेंस। अब मैं अगर इसे इंट्रोगेटिव में बदलू तो मैं कैसे बदलूंगी, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है
जिससे हमारा सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे पार्ट थ्री में। ठीक है, इस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो जाता है फर्स्ट पे और ये आता है हमेशा सेकंड पे। प्रोनाउन आता है हमेशा सेकंड पे और हेल्पिंग वर्ब आता है फर्स्ट पे। तो अभी क्या बनेगा देखो, इज शी स्टडिंग एज वेल एज रीडिंग, स्टडिंग एज वेल एज रीडिंग, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, शी स्टडिंग एज वेल एज रीडिंग हमारा क्वेश्चन बन गया। तो हमारा हो गया इंटरोगेटिव का एक एग्जाम्पल। और आप मेरा एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दैट शी इज जोकिंग एज वेल एज टॉकिंग, एज वेल एज टॉकिंग। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे आपको पता है, कि आप मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा। हम लोगों को प्रोनाउन समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और टॉपिक बताती हूँ, वो है प्रीपोजिशन। व्हाट आर दिस प्रीपोजिशंस। सो प्रोनाउन समझ में आ गया और आपके क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर भेजिएगा। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रीपोजिशंस। व्हाट आर प्रीपोजिशंस। हाँ, तो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, यू नो मैं बताती हूँ। प्री मतलब किसी वर्ड की पोजीशन, वर्ड या फिर सेंटेंस। प्री का मतलब होता है वर्ड या फिर सेंटेंस। ठीक है, और पोजीशन का मतलब मैंने प्रोनाउन में बताया था जगह। किसी भी वर्ड या फिर सेंटेंस की जगह लेने वाले शब्द प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, द कैट इज ऑन द टेबल। मैंने कहा द कैट इज ऑन द टेबल, तो ये किसी नाउन की ये वो बता रहे जगह। किसी भी नाउन की जगह बताने वाले शब्द प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ऑन कैट, ओ कैट जो है वो टेबल के ऊपर है, ऊपर, तो इसमें ऊपर क्या है, प्रीपोजिशन हो गया। और किस चीज का, कैट, और कैट क्या है, नाउन। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन लिखो, द वर्ड्स दैट टेल अस द प्लेस ऑफ नाउन। इसमें और प्रोनाउन में कंफ्यूज मत होना, वो तो नाउन की प्लेस पे काम आते हैं। ठीक है, और ये नाउन की प्लेस का पता बताते हैं हमें। जैसे ये है, ये क्या है, नाउन है, और नाउन का पता कौन बता रहा है, ऑन। तो ऑन क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशंस। ठीक है, अब हमारे प्रीपोजिशंस के कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, वो है जैसे मैं आपको दे दूं, इन, ऑन, अंडर, अंडर, अबव, बिलो, अक्रॉस, along and so on. So on मतलब और भी है बहुत सारे। ठीक है, अब along हम कहाँ पे यूज करते हैं, along जैसे मैंने कहा the railway track is along the city, the railway track is along the city. Along का मतलब होता है पास। ठीक है, along का मतलब होता है पास, the railway track। अब railway track क्या हो गया मेरा नाउन, क्योंकि किसी ट्रैक का नेम, किसी जगह का नाम है, तो ये क्या हो गया नाउन। कौन सा नाउन, प्लेस नाउन। ठीक है, और along मतलब पास, ये railway track के पास एक सिटी है, along का मतलब हो गया पास। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशंस पूरा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, ये हो गया हमारा पार्ट टू। मैं आपको पार्ट थ्री भी बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ऑप्शन प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू।